अच्छा हाँ। जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आपको मैथ uh, का बताया था ना वैसे एक स्ट्रिंग नामी भी क्लास है स्ट्रिंग नामी क्लास के थ्रू ना स्ट्रिंग वाली क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग होती है ना तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन आपको कई था परफॉर्म कराने होते हैं तो वो काफी इशू हो जाता है तो उसके लिए कोई बेसिक बेसिक फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट बिल्टे ना जैसे आपने लेंथ फाइंड करनी है तो आप उसकी डॉट लेंथ का फंक्शन यूज करो ठीक है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो जैसे ये अब आप देखो ना स्ट्रिंग टी एक्स टी नाम की एक बहुत बड़ी सारी लेंथ है बहुत बड़ी सारी जो है ना एक पूरी स्ट्रिंग सेव है इस टी एक्स टी वेरिएबल में तो अब इस पूरे की लेंथ ढूंढना मुश्किल है ठीक है तो आप कैसे करोगे सिंपल टी एक्स टी डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल करोगे वो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ कैलकुलेट करके आपको बता देगा इसी तरह आपको कई दफ़ा ऐसे मैथड्स यूज करने पड़ते हैं कि आप एक स्ट्रिंग है आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है लाइक टू अपर है ये कन्वर्ट कर देगा आपकी स्ट्रिंग को अपर केस में टू लोअर है या आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस वैल्यूज में कन्वर्ट कर दे जैसे देखो ना टी एक्स टी में हेलो से जब टी एक्स टी डॉट टू अपर किया तो इसने हेलो वर्ड बड़े वर्ड्स में सेव करा के आंसर दे दिया टू तो लोअर है तो ये हेलो वर्ड छोटे वर्ड्स में आंसर सेव करा के दे दिया इसी तरह आप कॉन कैट का फंक्शन है ठीक है कॉन कैट के थोड़ा तो आप दो तो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था ना प्लस सिंपल यूज़ कर सकते हो तो प्लस अगर यूज करना है वो भी कर लो नहीं तो कॉनकेट का फंक्शन कॉल करो और जिन जिन सिंबल्स को आपस में कॉन्ट करना है उनका नाम दे दो तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करके आपको आंसर दे देगा तो ये बस कॉन्केटनेशन होता है इसी तरह हम लोग जैसे मैथ को अंदर बुलेटिन फंक्शन होते हैं ना वैसे स्ट्रिंग को भी सॉल्व करने के लिए कुछ फंक्शन है और ये बहुत बेसिक्स हैं हैं बस गो थ्रू कर लो समझ आ जाएगी कि इनमें क्या होता है एक दफ़ा नहीं तो मशहूर तो एक दफ़ा रन करके देख लो कि कैसे काम कर रही हैं चीज़ें तो इसीलिए लिए हो जाएगा